हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि हम अपने परिवार को कैसे ऑक्सीजन की कमी होने से बचा सकते हैं और तुरंत अपने अंदर ऑक्सीजन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए। 95 से लेकर 100 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 95 से लेकर 100 के बीच में ऑक्सीजन को नॉर्मल माना जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, यानी ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसे हम घर पर रहकर ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं, आपको मैं बहुत ही आसान सा नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। कभी कभी लंग्स में इन्फेक्शन के कारण भी सांस फूलने लगती है। कुछ लोगों में तो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जब तो सांस फूल जाती है, या फिर घर में जब सब्जी बनाई जाती है, मसाला तड़का जाता है, उस टाइम जो स्मेल आती है उससे भी सांस फूल जाती है। दोस्तों, अस्थमा पेशेंट को तो ये कहा जाता है, डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि आपको अपने साथ कपूर जरूर रखना चाहिए, ताकि जब भी आपको ये समस्या आए तुरंत खींच के सांस लीजिए कपूर में से, ताकि ऑक्सीजन की कमी आपके अंदर ना पाए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीका। दोस्तों, जब माचिस की तिल्लियों में से तिल्ली खत्म हो जाती है, माचिस की डिब्बी बच जाती है, तो इसके द्वारा हम हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, हमने क्या करना है, सबसे पहली चीज जो हम यहाँ ले रहे हैं वो है दोस्तों कपूर। हमने कपूर को सूंघना है, लेकिन हमने क्या करना है, कपूर लेनी है। और कपूर के बहुत सारे फायदे हैं, शरीर के अंदर ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम करती है, हमारे रेस्पिरेटिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है। वैसे भी जब वैष्णो देवी जाया जाता है, तब पहाड़ी पर जाना होता है, तो उस टाइम नीचे से पहले कुछ लोग कपूर लेके जाते हैं जिनको अस्थमा की समस्या होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो दोस्तों, आज के टाइम में ऑक्सीजन बॉडी में पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने घर के हर एक एरिया में, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, बेडरूम में, किचन में, जहाँ भी आप बैठते हैं, बच्चों के रूम में, अपने रूम में, यानी हर जगह पर आपने ऐसी ही डिब्बियां बनाकर जरूर रखनी है। दोस्तों, इसे कैसे बनाना है, माचिस की खाली डिब्बी के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसी डिब्बी हो जो प्लास्टिक की हो, जिसके अंदर होल हो, जिसे छेद कहा जाता है, तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो माचिस की तिल्लियों से भी इसे बनाया जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ हम ले रहे हैं अजवाइन। अजवाइन जो है वो भी सर्दी खांसी को दूर करती है, इसकी स्मेल लेने से साइनस ठीक हो जाता है, अस्थमा में बहुत अच्छा माना जाता है अजवाइन की स्मेल को लेना। तो दोस्तों, हमने यहाँ क्या करना है, एक डिब्बी लेनी है और इसकी जो ऊपर वाला कवर होता है, यहाँ में जो नेल कटर होता है ना, उसकी सहायता से इसके ऊपर वाले हिस्से में हॉल कर रही हूँ, छेद कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप भी ऐसे कर सकते हैं और उसके बाद ये छेद बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि ये तो कागज की तरह बना होता है, बहुत सॉफ्ट सा होता है। तो दोस्तों, उसके बाद इसके अंदर 3 कपूर की मैंने टिक्कियाँ डाल दी और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी। इस तरीके से एक डिब्बी तैयार हो गई। ऐसे ही हमने दूसरी तैयार कर लेनी है, ऐसे ही हम तीसरी तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत आसानी से इन डिब्बियों को तैयार किया जा सकता है और आप अपने घर के हर एक रूम में इस डिब्बी को जरूर रखिए। ऐसा ही बनाकर बहुत आसान है, थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं। दोस्तों, आपने एक काम और करना है, दिन में 3 बार 4 बार वैसे ही इस डिब्बी को उठाइए और अच्छे से इनहेल कीजिए, सूंघिए कपूर को, अंदर लीजिए। दोस्तों, ये आपके लंग्स को मजबूत करेगी, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देगी। ये तरीका बहुत ही आसान है, इसके अलावा ये तो आपने करना ही है। दोस्तों, हर एक रूम में ऐसी डिब्बी होनी ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपने क्या करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आप बार बार ऑक्सीमीटर पर अपना ऑक्सीजन नापते रहते हैं और स्ट्रेस लेते रहते हैं। दोस्तों, स्ट्रेस लेने से 20% तो ऑक्सीजन वैसे ही कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ पत्ते हैं जिनका सेवन आपने रोजाना करना है। दोस्तों, जो पीपल के पत्ते होते हैं ना, ज्यादातर मंदिर वगैरह में लगा होता है पीपल, तो दोस्तों पीपल जो है रात को भी और सुबह भी ऑक्सीजन ही देता है। तो आप क्या करिए, पीपल के नीचे बैठ सकते हैं, या फिर अगर आप घर से बाहर जैसे नहीं निकलना है, तो आप 2 पत्ते पीपल के रोजाना खा लीजिए, जो कपोल होते हैं, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा घर पर रहकर लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस को छोड़िए, ऐसा करने से भी लंग्स मजबूत होते हैं। दोस्तों, बहुत आसान तरीका है जिनके द्वारा आप घर पर रहकर अपनी और अपने परिवार के अंदर ऑक्सीजन की कमी को नहीं होने देंगे, और अगर बाय चांस हल्का फुल्का सा आपको लग रहा है तो आप उसे पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, आप एक काम करिएगा, आपकी अगर ऑक्सीजन 95 से लेकर 100 के बीच में है तो आप निश्चिंत रहें, स्ट्रेस नहीं लें। तो दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।